Hey, what's up guys and welcome back with another video on my YouTube channel Extreme Tech. दोस्तों और आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI के नए अपडेट के बारे में. दोस्तों अपडेट आया नहीं और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ अपकमिंग अपडेट्स की वीडियो. जैसे कि मैंने पिछली बार लाई थी तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे लेके आया सेकंड पार्ट उसी का. और चलिए शुरू करते जा लेते हैं कि भाई MIUI के नेक्स्ट अपडेट में क्या हो जाने वाला है, जिसका वर्जन है MIUI 10.9.5.16. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं ये जो फीचर्स हैं ये कंफर्म्ड हैं कि आएंगे ही आएंगे MIUI के अपडेट्स में, बट ये कंफर्म नहीं है कि किस अपडेट में आएंगे. थोड़े बहुत चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जिसका वर्जन है MIUI 10.9.5.16 उसके अंदर फीचर्स आ सकते हैं. चांसेस हैं बट कम है. तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं. तो सबसे पहले मैंने सारे फीचर जो है नोट्स में लिख के रखे हुए हैं. तो यहां पे जो सबसे पहला फीचर लिखा है वो है सर्च बार डाउन द एप्स लाइक एंड्रॉइड पी लॉन्चर बट ऑफ MIUI. तो ये क्या दोस्तों, अगर हम चलते हैं गैलरी के अंदर तो यहाँ पे एक फोटो लेके रखी हुई है और ये हम एग्जांपल दे रही है उस चीज का. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके नॉर्मल अपना Xiaomi का लॉन्चर है, बट उसके नीचे अगर सबसे नीचे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो है एक सर्च बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. तो ये सर्च बार क्या है दोस्तों, ये सर्च बार वैसा ही है जैसे आपका एंड्रॉइड पाई में देखने को मिलता है. जो एंड्रॉइड पाई का ऑफिशियल लॉन्चर है उसके अंदर आपको सर्च बार देखने को मिलता है, ऊपर ऐप ड्रॉअर आ जाता है. तो उस हिसाब से Xiaomi ने भी यहाँ पे नीचे सर्च बार दे दिया है, जो काफी ज्यादा कूल आपके फोन को लुक प्रोवाइड कराता है. बट मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये MIUI है क्योंकि सबसे नीचे MIUI का ऑप्शन है तो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है. एक तो ये कन्फर्म करता है कि MIUI बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर आने वाला है, या फिर ये फिलहाल तो चाइना की रोम का फोटो है बट ये इंडिया में जल्द से जल्द टेस्टिंग के लिए आने वाला है. मे बी नेक्स्ट वीक ये जो फीचर है ये इंडिया टेस्टिंग के लिए आ सकता है. तो ये था हमारा पहला फीचर जो काफी ज्यादा अच्छी बात है. जैसे आएगा मैं उसके बारे में बता दूंगा. वैसे न्यू रिप्लेसमेंट वीडियो गैलरी ये क्या दोस्तों, एडिटर के अंदर. तो यहाँ पे अगर आप चलते हैं इस वाली जगह पे तो यहाँ से हमें ऐसी सूत्रों के थ्रू ऐसी खबर मिल रही है कि जो न्यू रिप्लेसमेंट वीडियो गैलरी के अंदर आने वाली है, मतलब आपको एंड में फिल्टर्स के अंदर जाके एक ऑप्शन मिलता है. अगर आप टॉप पे देखेंगे जो स्काई है इसके अंदर, मतलब इस फोटो के अंदर जो स्काई है ये नॉर्मली ऐसा नहीं है. ये जो है स्काई, अगर आप देख सकते होंगे इसमें काफी ज्यादा स्काई के ऑप्शन आ रहे हैं. अब आप जिस स्काई पे क्लिक करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस बादल को रिप्लेस कर देगा और आपका स्काई जो है उसको चेंज कर देगा. अब यहाँ पे जो है शाम वाला कर रखा है तो यहाँ पे इसलिए आपको फोटो में शाम शाम जो दिख रही होगी, अब बाकी आप यहाँ वाला करेंगे तो दिन हो जाएगा दोपहर हो जाएगी. तो इस हिसाब से अपने वेदर को फोटो के अंदर ये वीडियो एडिटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है वीडियो एडिटर के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है. ये अभी तक शायद और कोई एडिटर प्रोवाइड नहीं कराता फोन का, बाकी प्रीमियर प्रो तो अलग ही चीज है. और यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखी हुई है वो है न्यू शेप आइकन्स इन स्टेटस बार विदाउट थीम्स. तो भाई अब ये जो है ये फोटो नहीं मिल सकती इसकी भाई, क्योंकि मेरे को भी इसकी सिर्फ अभी न्यूज़ ही मिली है. और ये बताया जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता एंड्रॉइड क्यू के अंदर ना एक ऑप्शन है कि भाई अब स्टेटस बार के जो ऐसे सर्कल आइकन्स हैं अब वहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपको ड्यू ड्रॉप आइकन्स रखने हैं, सर्कल रखने हैं, स्क्वायर रखने हैं, ट्राइंगल रखने हैं. तो ये जो एंड्रॉइड क्यू के अंदर ये ऑप्शन आने वाला है, बट Xiaomi इसे अभी से इम्प्लीमेंट करने वाला है MIUI 10 के अंदर. अब ये भाई न्यूज़ है, कन्फर्म नहीं है पर कब आएगा, पर आएगा ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ. तो यहाँ पे इस थ्रू मतलब आप ट्राइंगल कर सकते हैं, ड्यू ड्रॉप कर सकते हैं, सर्कल स्क्वायर आइकन्स को आप चेंज कर सकते हैं बिना थीमिंग करें. मतलब आपको थीम आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, आप नॉर्मली सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं. तो यही था भैया. और यार ना एक फीचर आपको बताना भूल गया था MIUI अपडेट की वीडियो में, जो है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर. अगर आप चल जाए मैनेज फेस डेटा में तो यहाँ पे जाके हम पासवर्ड डाल लेते हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक नया फीचर है जिसका नाम है शो नोटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर वेरीफाइंग फेस डाटा. तो ये क्या है, बाई चांस आपको नोटिफिकेशन आती है और अगर आप लॉक स्क्रीन पे है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब तक फेस डेटा वेरीफाई नहीं होगा ये जो नोटिफिकेशन है ऊपर शो नहीं करेंगे. मतलब लिखा है कि भाई नोटिफिकेशन आई है बट किसने भेजा है और क्या मैसेज है तो वो यहाँ पे तक तो शो नहीं करेगा जब तक टिक नहीं बना आया था कि हमारा फेस वेरीफाइड हो चुका है अब हम नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं. तो ये फीचर मैं मिस कर गया था. तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि इसमें क्या कुछ खासियत है, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो कर दो यार अच्छा लगता है. मैं मिलता हूँ फिर न्यू वीडियो में. और हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. एंड अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं मिलता हूँ फिर ब्रांड न्यू वीडियो में. सेकंड चैनल में सब्सक्राइब कर देना. टिल नेक्स्ट टाइम वेरी नाइस डे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. गुड बाय.